मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य तथा मंडल के समस्त जिलों के जिला सर्विलांस अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक NHM एवं समस्त डाटा ऑपरेटर IDSP तथा नोडल अधिकारी BRD एवं प्राइवेट लैब के संचालक मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सभी जिला सर्विलांस अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक NHM को चेताया कि यदि कोरोना संक्रमण लिए शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर डाटा एंट्री समय से एवं त्रुटि रहित नहीं होगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंडलायुक्त ने समस्त प्राइवेट लैब संचालकों को निर्देशित किया कि कोरोना पॉजिटिव की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कंट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से दी जाए तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। मंडलायुक्त ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ठीक ढंग से करने पर बल देते हुए कहा कि यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सही और तेजी से किया जाएगा तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायता मिलेगी। पहले उनकी सुन लीजिए, आपसे ठीक है। आप ये बैठेंगे 3 दिन में, उनको बताइए कैसे क्या बैठी होती। ये 10-15 जो ऐसे केस आए हो सकते हैं, पहले भी केसेस आए हो, डिस्चार्ज हो गए हो, उनको आप सुनिश्चित करोगे, ठीक है। टारगेट क्या करते हैं आप लोग, कितना चार्ज करते हैं कोविड टेस्ट का? डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, प्राइवेट लैब जा सकते हैं। थैंक यू। रिपोर्ट लेके आता है और हमारे एडमिट हो जाता है, उसका मोबाइल नंबर से किसी तरह से माई फोन कर लें जिससे केयर सुने। सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर लैब रिपोर्ट के साथ, क्योंकि मोबाइल नंबर वहाँ पे लैब में वो कुछ और लिखा था, हमारे यहाँ भर्ती होते समय तो छोड़ लिखा है, हमारे यहाँ पर जो उसकी रिपोर्ट उस पर राम निवास कुशवाहा लिखा हुआ है, जो जैसे मुझे सुबह बात हुई है। तो मैं ये चाहता था केस आइडेंटिटी यूनिक है, नाम भी बदल सकता, मोबाइल नंबर भी, जो भर्ती कराने आ रहा है वो दूसरा लिखवा दे रहा। तो अगर लैब रिपोर्ट में, चूंकि लैब जैसे ही सैंपल करेगा केस आईडी जनरेट हो जाएगा, यूनिक केस तुरंत मिल जाएगा। जैसे सर एक केस था तेज प्रताप शाही सर का, जब हमारे